चुनाव में वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सुबह मतदान शुरू होने के पहले तुमकपाल पोलिंग पर बूथ पीठासीन अधिकारी चंद्रपाल ठाकुर की हत्या से मौत हो गई। बाकी कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है। आपको बता दें, उपचुनाव में 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इनके भाग्य का फैसला क्षेत्र के 1,88,624 मतदाता करने जा रहे हैं। नक्सल इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 18,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। इसी के साथ ही जंगली क्षेत्रों में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। मतदान दोपहर 3 बजे तक चलेगा। यहाँ कांग्रेस भाजपा के बीच ही दिलचस्प मुकाबला होने की बात राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। सीपीआई और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस भी चुनावी मैदान में पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है। चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की 7 कंपनियां यहाँ पदस्थ की गई हैं। नक्सली मूवमेंट पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिए वर्दी और सादे वर्दी में उनके लोग तैनात किए गए हैं। साथ ही मतदान दल केंद्रों पर ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। शनिवार से ही ड्रोन जिले के चिन्हित इलाकों में उड़ान भर रहे हैं। उपचुनाव विधानसभा क्षेत्र दंतेवाड़ा की यहाँ पर तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अति संवेदनशील 28 पोलिंग बूथों को शिफ्ट किया गया है। इंद्रावती नदी पार का इलाका माओवादियों का गढ़ माना जाता है। यहाँ के सारे पोलिंग बूथों को मुछनार और छन्नार में शिफ्ट किया गया है। इंद्रावती नदी के 3 घाटों में लगभग 10 से ज्यादा मोटर बोट, होमगार्ड और गोताखोरों की व्यवस्था की गई है। 65 से अधिक बटालियन के लगभग 10 से 12,000 जवान क्षेत्र में तैनात हैं। वही दंतेवाड़ा की बीजेपी प्रत्याशी ओजस्वी भीमा मंडावी अपने को पर्याप्त सुरक्षा न मिलने से नाराज हैं। मंडावी गादापाल मतदान करने पहुंची थी, जहां उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उन्हें शिकायत है। इस पर भेदभाव होता है, समय से पूरी सुरक्षा नहीं दी गई, फिर भी मतदाताओं पर उन्हें पूरा भरोसा है और जीत उनकी ही होगी। धन्यवाद देना चाहूंगी आज मेरे साथ है और पूरी लगन से कर। दंतेवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। सुखपाल की सड़क पर नक्सलियों ने एक शक्तिशाली आईजी बम प्लांट कर रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते डिफ्यूज कर दिया है। ये बम एक पुल के नीचे फिट किया गया, जिससे होकर मतदाता गुजरने वाले थे। कटे कल्याण थाना क्षेत्र की यह घटना है। नक्सलियों की साजिश का खुलासा होने के बाद पुलिस ने इलाके में सर्चिंग तेज कर दी है। दंतेवाड़ा के जिस श्यामगिरी में नक्सलियों ने 9 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी को आईडी से उड़ाकर उनकी हत्या कर दी थी, वहां में मतदाताओं ने नक्सलियों के बुलेट का अपने बेल्ट के अधिकार से मुंह तोड़ जवाब दिया है। यहां 11 बजे तक 44% मतदाताओं ने वोट डाल दिए हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। इस वक्त हम दंतेवाड़ा के श्यामगिरी में हैं। श्यामगिरी वो जगह है जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान 9 अप्रैल को बीजेपी के विधायक भीमा मंडावी को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। इस जगह पर जो पोलिंग बूथ है वो शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में है और यहां पे मतदाताओं का आप उत्साह देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में मतदाता अलग अलग जगहों पर, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, पूरी सड़क पर सिक्योरिटी पर्सनल तैनात हैं और उसके बीच में ये मतदान हो रहा है। ये तमाम ग्रामीण आए हुए हैं अंदर, चूंकि भीड़ ज्यादा है, बारिश हो रही है, इसलिए जब अंदर से भीड़ हटेगी तब ये लोग अंदर जाएंगे। फिलहाल ये लोग इंतजार कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी? अच्छा, तो अभी कैसा उत्साह है? लोग आ रहे हैं वोट करने या डरे हुए हैं? नहीं सर, मतलब पूरा पब्लिक तो आ रहे हैं सर। पब्लिक आ रहा है जी। अच्छा। जो भी मतलब जो इक्का दुक्का बचे हुए लोगों के लिए हम लोग फिर बैक से पूरा टूट, फिर जो एकदम अंधे लोगों को भी लेके भी आ रहे, फिर उन लोगों को लेके भी अंधे लोग हैं उनके लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं, उसको पूरा व्यवस्था पूरा कर रहे हैं हम लोग। जो मतलब अभी पानी का थोड़ा हम इसलिए भी जो आर्मी भी बचे ना उसको फिर हम लोग भेजेंगे लेने के लिए। अच्छा, तो इतना टाइट सिक्योरिटी है तो कोई खतरा नहीं है? नहीं सर, मतलब पूरा यहाँ एकदम लोकसभा में तब हम लोग वोट भी दिए ना, उस समय घटना भी हुआ, उस समय भी हम लोग को कुछ डर नहीं। अच्छा, लोकसभा कैसे बुलेट को वैलेट से जवाब दिया जाता है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण है ये पोलिंग बूथ, जहाँ पे जब लोकसभा का ये हादसा हुआ था ठीक उसके 2 दिन के बाद जो मतदान हुआ था वहाँ भी इन लोगों ने वोट दिया था।
और ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि महिलाएं कतार में हैं, तो ये लोग तमाम लोग जो अंदर इनको बुलाया जा रहा है, तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। और ये इसलिए किया गया है कि चूंकि ये बहुत सेंसिटिव बूथ है, और इसी के मद्देनजर अलग अलग फेज में अलग अलग जगहों पर रोक करके इनको लाया जा रहा है, इनसे वोटिंग कराई जा रही है। तो ये वो श्यामगिरी है जहां पे 9 अप्रैल को एक बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी वजह से ये चुनाव हो रहा है। उपचुनाव आपने वोट डाल दिया? वोट डाला? वोट डाला। अच्छा, आप हिंदी नहीं समझती हैं, तो ये दरअसल दिक्कत है कि यहाँ पे लोग हिंदी नहीं समझते हैं, ज्यादातर लोग गोंडी बोलते हैं, और इसी की वजह से बातचीत करने में थोड़ी कुछ लोगों से दिक्कत भी आती है। कैमरामैन रेखराज के साथ श्यामगिरी, दंतेवाड़ा से रुपेश गुप्ता।